हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज के हम इस वीडियो में जानने वाले हैं नॉनस्टिक बर्तनों में खाना बनाना क्यों है खतरनाक, ये गलतियां कर सकती है गंभीर बीमार। आज शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिनमें खाना बनाने के लिए नॉनस्टिक बर्तनों का यूज ना किया जा रहा हो। क्या आपको पता है कि इन नॉनस्टिक बर्तनों का यूज हमें जानलेवा बीमारियों की ओर धकेल रहा है? जैसे जैसे हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारी रोजमर्रा की चीजों के इस्तेमाल बदलते जा रहे हैं। लेकिन जहां एक तरफ इस बदलाव के कई फायदे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसके कई नुकसान भी हैं। जैसे पहले के जमाने में आमतौर पर हर घर में चूल्हे पर खाना बनाया जाता था, लेकिन जब से हम पक्के मकानों में रहने लगे हैं, तब से हमारे घर के किचन भी व्यवस्थित और इस्तेमाल की चीजें बदल गई है। अब हम अगर किचन में यूज होने वाले बर्तनों की ही बात करें, तो आज शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिनमें खाना बनाने के लिए नॉनस्टिक बर्तनों का यूज ना किया जा रहा हो। लेकिन क्या आपको पता है कि इन नॉनस्टिक बर्तनों का यूज हमें जानलेवा बीमारियों की ओर धकेल रहा है? आसानी से साफ होने जाने वाले बर्तन पर आग के धुएं, खाने के निशान ना लगने के चलते आज आमतौर पर हमारे किचन में नॉनस्टिक बर्तन का यूज खाना बनाने में हो रहा है। इन बर्तनों में खाना तेजी से बनाया जा सकता है, लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए इन बर्तनों में खाना पकाना आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाता है, तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन ये बात 100% सच है। ऐसा हम नहीं बल्कि एक्सपर्ट का दावा है। हाल ही में एक शोध में ये पता लगाया गया है नॉनस्टिक बर्तनों में खाना बनाने से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का खतरा भी काफी बढ़ जाता है। दरअसल इन बर्तनों में एक खास तरह की पॉली टेट्रा फ्लोरेंथेलिन मतलब PTFE कोटिंग का यूज किया जाता है, जिसके कारण इन बर्तनों में कम से कम घी या तेल से खाना बनाया जा सकता है और इस्तेमाल के दौरान इनमें खाना चिपकता भी नहीं है। हालांकि शोध में माना गया है कि इन बर्तनों में यूज होने वाली PTFE कोटिंग से सेहत को काफी नुकसान पहुंचाता है। स्टडीज में तो इसे सेहत का दुश्मन भी बताया जाता है। आमतौर पर पॉली टेट्रा फ्लोरेंथेलिन को टेफ्लॉन कहा जाता है, जिसको PFOA एसिड से बनाया जाता है, जो एक जहरीला और प्रदूषक पदार्थ होता है। इसका संबंध थायराइड डिसऑर्डर, क्रॉनिक किडनी डिजीज, लीवर डिजीज बीमारियों से पाया गया है। इस वजह से टेफ्लॉन के निर्माण में PFOA के दूसरे केमिकल जेनिक्स का यूज होने लगा है। बर्तन खरीदी के दौरान कई बार आपने ध्यान भी दिया होगा कि नॉनस्टिक बर्तनों की पैकिंग पर PFOA फ्री लिखा होता है, जिसके जरिए बताया जाता है कि इस बर्तन की कोटिंग PFOA से नहीं की गई है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक लोगों को नॉनस्टिक बर्तनों के यूज से बचना चाहिए। हमारा भोजन सादे बर्तन में बन सकता है, तो हमें इन बर्तनों का यूज करने की क्या जरूरत है? नॉनस्टिक बर्तन PFOA फ्री हो, लेकिन फिर भी उस पर कोटिंग करने के लिए दूसरे केमिकल का यूज तो किया ही जाता है। इसके अलावा एक काम की बात ये भी है कि अगर नॉनस्टिक बर्तन पर स्क्रैच पड़ जाए, तो उसे बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्क्रैच से आंतरिक परत में मौजूद टेफ्लॉन खाने के जरिए हमारे शरीर में जाता है, जो शरीर के लिए स्लो पॉइजन का काम करता है। इससे हमें कुछ बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि नॉनस्टिक बर्तनों में खाना पकाने से बॉडी में आयरन की कमी होती है, जिससे हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। नॉनस्टिक बर्तनों में खाना बनाने से व्यक्ति के शरीर में ऐसे तत्व पहुंच जाते हैं, जिससे कई प्रकार के कॉग्निटिव डिसऑर्डर होने का खतरा हो जाता है। नॉनस्टिक बर्तनों की यूज से बचें, क्योंकि इसमें PFO एक प्रकार का घटक होता है, जिसके शरीर में पहुंचने पर थायराइड होने का खतरा बढ़ जाता है। नॉनस्टिक में खाना बनाने से शरीर में हाई ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। नॉनस्टिक बर्तन में अधिक पका हुआ खाना ऐसे तत्व रिलीज करता है, जिसकी मात्रा शरीर में अधिक होने पर कैंसर जैसी घातक बीमारी भी हो सकती है। नॉनस्टिक बर्तनों में खाना बनाने से PFO बढ़ जाता है, जिससे प्रजनन क्षमता में कमी आ सकती है या बच्चे में हेल्थ रिलेटेड कई विकार हो सकते हैं। नॉनस्टिक बर्तन में बना खाना खाने में इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है। PFO की मात्रा बढ़ने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप लोहे की कढ़ाई, तवे और स्टील के बर्तनों का ज्यादा यूज करें। नॉनस्टिक बर्तन के यूज से किडनी के खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। नॉनस्टिक बर्तन में खाना बनाने से टॉक्सिक फ्यूम निकलती है, जिससे लीवर को नुकसान होता है और पेट संबंधी बीमारियां होना शुरू हो जाती है।
अगर आप नॉनस्टिक बर्तनों में खाना बनाना चाहते हैं तो नॉनस्टिक बर्तन पर खाना बनाने से पहले कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें, जैसे कि कम तापमान पर बनाए भोजन, नॉनस्टिक पैन को पहले से गर्म ना करें, नॉनस्टिक बर्तनों में तलने और भूनने का काम ना करें, नॉनस्टिक बर्तनों को इस तरह रगड़ कर ना धोए जिससे उसकी परत घिस जाए, नॉनस्टिक बर्तनों का यूज़ कम ही करें। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके नीचे बताएं। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।